ओझा एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। नीरव मोदी से बरामद पेंटिंग 14 करोड़ में नीलामी। बेटे के रुपए हड़पने के लिए दूसरी पत्नी संग मिलकर बाप ने दे दी खौफनाक मौत। जंजगीर चांपा लोकसभा सीट जीत की हैट्रिक बनाने को भाजपा ने चली ये चाल। अब खबरें विस्तार से। आयकर विभाग ने भगोड़े नीरव मोदी के कब्जे से बरामद पेंटिंग की नीलामी की है। नीरव मोदी से बरामद कुल 68 कलाकृतियों मंगलवार को मुंबई के जेके ब्लैंक पेट में नीलामी के लिए रखी गई नीलामी में सबसे प्रमुख कलाकृतियों में से एक, जिसमें भारत के जाने वाले चित्रकार राजा रवि वर्मा की ऑयल पेंटिंग 14 करोड़ में रुपए में बेची गई। यह पेंटिंग अपनी अनुमति कीमत से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा में बिकी। इन कलाकृति की बोली 8 करोड़ रुपए से शुरू हुई। भागलपुर जिले के खरीफ में बेटे के रुपए हड़पने के लिए दूसरी पत्नी संग मिलकर बाप ने पिटाई के बाद जबरन जहर खिलाकर दे दी खौफनाक मौत। घटना रंगारंग ओपी क्षेत्र के सथुआ में देर रात घटी। बेटे रवि कुमार शाह की हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से बोरा और कंबल में बांधकर गांव से दूर कोसी नदी के किनारे गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। मामले में रवि के मामा जगदीश शाह ने रवि के पिता एवं उसकी दूसरी पत्नी पर अपने भांजे की हत्या करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी पिता और उसकी दूसरी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। आदिवासी बहुल जंजगीर चांपा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। जंजगीर चांपा लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें आती है, जिसमें अकलतारा, चंद्रपुर, बिलाईगढ़, जंजगीरगढ़, चांपा, जय जयपुर, कसल रोड, शक्ति, पामगढ़ शामिल है। 2014 में जंजगीर चांपा के चुनाव परिणाम में भाजपा की कमला देवी पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद्र जायसी को लगभग 2.25 लाख वोटों से पराजित कर जंजगीर चांपा अपनी शानदार दूसरी जीत दर्ज की थी। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।